बहनों और भाइयों, कोलकाता तो जल से जुड़े विकास के मामले में और भी भाग्यशाली। कोलकाता पोर्ट देश की समुद्री परिधि में भी है और नदी के नट पर भी स्थित है। इस प्रकार से ये देश के भीतर और देश के बाहर के जलमार्गों की एक प्रकार से संगम स्थली है। आप सभी भलीभांति जानते हैं कि हल्दिया और बनारस के बीच गंगा जी में जहाजों का चलन शुरू हो चुका है। और मैं काशी का एमपी हूं, इसलिए स्वाभाविक रूप से अब आपसे सीधा जुड़ चुका हूं। देश के इस पहले आधुनिक इनलैंड वाटरवे को पूरी तरह से तैयार करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। इस वर्ष हल्दिया में मल्टी मॉडल टर्मिनल और फरक्का में नेविगेशनल लॉक को तैयार करने का प्रयास है। साल 2021 तक गंगा में बड़े जहाज भी चल सकें, इसके लिए भी जरूरी गहराई बनाने का काम प्रगति पर है। इसके साथ साथ गंगा जी को असम के पांडु और ब्रह्मपुत्र से जोड़ने वाले इनलैंड वाटरवे 2 पर भी कार्गो ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो चुका है। नदी जलमार्ग की सुविधाओं के बनने से कोलकाता पोर्ट पूर्वी भारत के औद्योगिक सेंटर से तो जुड़ा ही है। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार जैसे देशों के लिए व्यापार और आसान हुआ है।